अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा उस्मान बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। अभी मैं आपका भैया आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया जिसमें आपको बताएगा किप्पा के जरिए हम हंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, मैनुअल तो मैंने आपको बता दिया कि मैनुअल ये आपने हंटिंग कैसे करनी है, आप कैसे कैसे आप सप्लाई फाइंड करोगे, कैसे आप ब्रांड के जरिए जाओगे, बेस्ट सेलर से जाओगे, थ्री बेस्ट मेथड, सब कुछ मैंने हंटिंग का बताया हुआ है। ठीक है, अभी मैं बताना जा रहा हूँ आपको कीपा के जरिए। कीपा के जरिए आप कैसे फाइंड करोगे, फिर आपने कोई ड्रॉप शिपर, अगर आपके पास बेस्ट ड्रॉप शिपर है, उस बेस्ट ड्रॉप शिपर से अगर आपने आइटम उठाई है, उस आइटम को आपने कैसे, उसका स्टोर उठा के आपने कैसे कीपा पर सर्च करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले यार, आपके भाई को सब्सक्राइबर और व्यूज की बहुत जरूरत है, तो काइंडली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं बार बार नहीं आपको कहना चाह रहा, जिसको वीडियो अच्छी लगे काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय चलते हैं वीडियो की तरफ। कीपा, आप सबसे पहले आपको कीपा शो करवाता हूँ। कीपा एक हंटिंग टूल है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में मैक्सिमम हम ना कीपा ही यूज करते हैं। आपने क्या करना है, कीपा की जो आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बट उसमें आपके पास है ना एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आते, लिमिटेड रिजल्ट्स आते हैं 3-4 और वन टाइम यूज होता है। उसके लिए आपको पेड लेना पड़ेगा। पेड आपने लेके लेने के बाद कुछ, ये यार आप अगर पाकिस्तान में हो, कई टूल प्रोवाइडर हैं जो आपको 1,000, 1,500, 2,000 में है ना टूल प्रोवाइड कर देंगे, इतना कोई महंगा टूल नहीं है ये। आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर आना है, जिस कंट्री में भी आप करना चाह रहे हो वो वाली कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं .com में करना चाह रहा हूँ, मैंने .com सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, डाटा में आ जाना है। डाटा में आने के बाद इधर एक ऑप्शन है प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट फाइंडर पर आपने क्लिक करना है। प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करने के बाद ये इतने सारे आपके सामने है ना ऑप्शंस हैं, इतने सारे आपके सामने आप चेक मार्क्स हैं जो आप अपने हिसाब से सेटल करोगे, बट मैं आपको बेसिक ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से बता दूंगा। सेल्स रैंक आपका कितना होना चाहिए, यूएस की मार्केट में आपका, आप मैक्सिमम रख लो 20,000 आपका ना सेल्स रैंक होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 20,000 तक आप सेल्स रैंक उठा लो आइटम का। मैंने जैसे 20,000 इधर प्रेस किया, ये मेरे सामने उसने काफी रिजल्ट बता दिए। ठीक है, उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है, नीचे ऑप्शन आ रहा है अमेजोन, अमेजोन को मैं आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा। जैसे मैंने आउट ऑफ स्टॉक पर क्लिक किया, इधर एक ना चेंज हो जाएगी, अभी नहीं हुई, नीचे मैं और फिल्टर लगाऊंगा तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये आपने अपने हिसाब से सारे फिल्टर जिसको जो बेहतर लगे वो यूज कर सकता है। ठीक है, मैं आपको मेन मेन बताऊंगा। बाय बॉक्स आ गया, बाय बॉक्स इन स्टॉक होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। उसके बाद आप आ जाओ नीचे, कितने ही है, यूज्ड आ जाता है, फर्निश्ड आ जाता है, फर्निश्ड आइटम्स होनी चाहिए, यूज्ड आइटम होनी चाहिए, गुड इन कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपने अपने हिसाब से देखनी है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज आ जाती हैं, कैटेगरी कौन सी आप लेना चाह रहे हो, ये सारी कैटेगरीज आपके सामने हैं। इसमें हम कौन सी कैटेगरी लें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ ग्रोसरी। ठीक है, ग्रोसरी मैंने कैटेगरी ले ली। उसके बाद वो कह रहा है सब कैटेगरीज, आप अपने हिसाब से कोई भी एक मेन कैटेगरी, जैसे कि ग्रोसरी में कैट फूड, उसके बाद कोई भी चीज़ आप ग्रोसरी की स्पेशल सर्च कैटेगरी करना चाह रहे हो वो भी हो जाएगी। बट मैंने जैसे ग्रोसरी सिलेक्ट किया, इधर इतने सारे रिजल्ट में से 46,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप और नीचे आ जाओ, ये और आप काफ़ी ब्रांड्स के बारे में, मॉडल है, साइज है, हर चीज़ आप अपने हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, हर चीज इसमें बताई हुई है इस टूर में, हमने वही मैं आपको बताऊंगा जिस चीज की हमें जरूरत होगी। अभी आ गया कि बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, ऑल के पास, अमेजोन के पास या थर्ड पार्टी के पास। हम थर्ड पार्टी के पास करेंगे, अमेजोन के पास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अमेजोन के पास करेंगे तो उस आइटम में अमेजोन अगर बैठा है तो अमेजोन की ही सेल्स आएंगी। जैसे मैंने थर्ड पार्टी पे क्लिक किया, 36,000 आ गया, 10,000 और कम हो गए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये आ रहा है सेलर, सेलर के बारे में आपको ना स्पेशल बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, दोबारा जब आऊंगा ना वो स्पेशल आपके इसके बारे में बताऊंगा सेलर के बारे में। अभी आ गया एडिशनल, एडिशनल बाय बॉक्स ये होना चाहिए एफबीए के पास होना चाहिए या किसके पास होना चाहिए। एफबीए को नो कर दो, बाय बॉक्स क्वालिफाइड होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड में क्या होता है कि किसी ना किसी सेलर के पास, एफबीएम सेलर के पास ये बाय बॉक्स होगा। अगर आप नो कर दोगे तो ये सप्रेस लिस्टिंग आ जाएगी। सप्रेस लिस्टिंग में ये होता है किसी के पास भी बाय बॉक्स नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग में हो, आप नो कर लो, इसमें ये होगा कि आप जब नो पे जाओगे तो आपके ऑप्शंस बहुत आ जाएंगे, आपके पास जो भी आइटम आप उठाओगे उस पे चांसेस होंगे कि आप बाय बॉक्स विन कर लो। ठीक है, मैं अभी ऑल पे रहने देता हूँ। और प्रोडक्ट टाइप फिजिकल और डिजिटल, डिजिटल में आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी आइटम्स, आप अपना फिजिकल ही इसको करोगे, वेरिएशन ऑल कर देना, अगर नो करना चाहो वो भी आपकी मर्जी है।
ठीक है, नीचे आ जाओ। अभी ये आ रहा है अवेलेबिलिटी फॉर अमेजोन, ठीक है, ऑफर्स, नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ठीक है, इसे ऑफ कर दो। अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, अमेजोन ऑफर इज प्री ऑर्डर, अननोन और बैक ऑर्डर, ये चीजें भी आप अपना ऑफ कर दो, ठीक है। ओहो, ये ऑफ हम करेंगे तो ये सारे रिजल्ट्स इधर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इधर है ना ऑन कर देता हूँ सारे, क्योंकि मैं अभी आपको हंटिंग का क्राइटेरिया बताऊंगा। अगर मैं ये सारे ऑफ कर देता हूँ ना तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ऊपर फिल्टर अपने उस हिसाब से लेके आने हैं। अभी हम इसी हिसाब से चलेंगे। आप स्क्रॉल डाउन कर लो, आप डायमेंशंस, हर चीज इसमें ऑप्शंस है, ठीक है। ये भी आ गया कि मैप रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, लॉन्च ऑल यस कर सकते हो, अडल्ट प्रोडक्ट्स कर सकते हो, ये सारी चीजें, प्राइम बाय बुक्स यानी कि अमेजोन होना चाहिए या नहीं। अभी ये सारी चीजें आप ऑल पे रहने दो, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से जो भी आप इसकी सेटिंग बदलना चाहो आप बदल सकते हो, मैंने बेसिक बेसिक आपको सारी बता दी। अभी आप क्या करोगे, इधर कर दोगे फाइंड माई प्रोडक्ट्स, मैंने क्लिक कर दिया, ये अभी है ना 100% पे जाएगा, ये आ गई मेरे सामने प्रोडक्ट्स। ये कितनी सारी मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं कि मुझे बाय बॉक्स कितने पे होना चाहिए, अमेजोन इसमें ना हो, एफबीएम सेलर कितने होने चाहिए, और बाय बॉक्स प्रेस्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने की हैं, ये सारी आप देख सकते हो। ये सब कुछ ऐसे करने पे राइट साइड पे सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब एक ये सारी चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप और कुछ भी इधर और ऐड करना चाह रहे हो ना, आप इधर कॉन्फिगर कॉलम पे क्लिक करो, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो तो चेक मार्क है वो एडिड है, जो नहीं चेक मार्क वो नहीं है, वो आप अपने हिसाब से प्राइम एलिजिबल बाय बॉक्स इधर करना चाह रहे हो वो भी आ जाएगा, रेटिंग भी करना चाहो वो भी आ जाएगा, वो अपने अपने हिसाब से ऐड करना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये आइटम्स आ गई है मेरे सामने ग्रोसरी की, मैं अमेजोन के लोगो पे इधर क्लिक करता हूँ, ये वाली आइटम मेरी अमेजोन पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वाली आइटम मेरी अमेजोन पर ओपन होगी, ठीक है। 15 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ठीक है, ये आप देख सकते हो मैंने अमेजोन को नो किया हुआ था। अभी जितने भी होंगे सारे एफबीएम सेलर हैं, ठीक है, मतलब कि उम्मीद है कि ये सारे ड्रॉप शिपर्स ही हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेस देख सकते हो, डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, और सारे एक ही प्राइस में सारी आइटम्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ड्रॉप शिपर हो सकते हैं, हम क्या करेंगे, अभी ये वाली आइटम है ना, और इधर आओगे ना इसी आइटम पे, ये ईबे का ऑप्शन भी है, आप और ईबे पर क्लिक करोगे यही आइटम आपकी ईबे पर भी ओपन हो जाएगी। अगर ईबे पर ये आपकी अवेलेबल है, आपको अच्छी प्राइस पर मिल रही है, तो आप ईबे से उठा लो। अगर ईबे पर नहीं अवेलेबल ये, तो आप इसको ईबे से क्लोज कर दो, ठीक है। अमेजोन पर आपको अच्छी आइटम एक मिलेगी। अब आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर आपका अगेन सेम प्रोसीजर आएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बाकी वीडियोज में बता चुका हूँ। आपने इसका टाइटल कॉपी कर लेना है, कॉपी करके इस आइटम को आपने सर्च बाय गूगल कर देना है, ठीक है। उससे पहले आपने वीपीएन लगा लेना है, वीपीएन लगाओगे तो आपको सर्च बाय गूगल में ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। मैंने सर्च बाय गूगल किया इस आइटम को, अभी ये मुझे बता देगा कौन कौन से सप्लायर्स इस आइटम को सेल कर रहे हैं। जो जो सप्लायर्स इस आइटम को, अच्छे सप्लायर्स इस आइटम को सेल कर रहे होंगे, आपने वो सारे उठा लेने हैं, ठीक है। अभी ये यार, ये गूगल की एप्लीकेशन जब से आई है ना, तब से ये मसला बना हुआ है। मैंने गूगल को ऐसे ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी का इसी तरह इसका टाइटल कॉपी करके ना गूगल पे सर्च करूंगा, क्योंकि मेरे अभी वो न्यू अपडेशन की वजह से ना गूगल सही रिजल्ट्स नहीं बता रहा, उसके लिए मुझे पहले गूगल को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास अगर ओल्ड वर्जन है तो आप डायरेक्टली उसे सर्च बाय गूगल करोगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट बता देगा। और एक चीज ये होती है, एक सेकेंड मैं वापस आता हूँ, पहले वो बता दूँ। कुछ लोग होते हैं उन्हें ये नहीं पता, एक तो वीपीएन आप यूज कर लेते हो ना, दूसरा जब आप गूगल पे आते हो ना, ये नीचे पाकिस्तान आ रहा होता है, ठीक है। सेटिंग में जब आप जाओगे, ये पाकिस्तान की आप इधर से लोकेशन चेंज करके यूएस भी कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग में ऑप्शन होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर टॉपिक से हट जाएंगे हम। ये मैंने फाइंड कर लिया, ये अमेजोन पर पड़ी है आइटम्स, ये देख रहे हो वालमार्ट पे मिलगी मुझे आइटम, ठीक है। मैंने इस आइटम को वालमार्ट पे ओपन किया, वालमार्ट पे ओपन करने के बाद अभी मैं मैच करूंगा ये आइटम सेम टू सेम अमेजोन पर, ठीक है। आइटम बिल्कुल सेम है अमेजोन पर, बट ये है कि जितने की मुझे ये मिल रही है उधर से वॉलमार्ट से,
उतने की ही आइटम ये ईबे इधर अमेजोन पर सेल हो रही है, बट कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो आपको हाई प्राइस पर ये आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप वो वाले सेलर्स भी उठा सकते हो। अभी क्या है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी आपको मैंने बताया था कि इसका BSR वगैरह आपका 20,000 से कम है इस आइटम का, ठीक है। अगर ये आइटम आपकी नहीं सही निकली, आप सेकंड आइटम पे आओ, आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाते हैं ना इसमें कीपा के जरिए हंटिंग के साथ, ये सारी ये मैक्सिमम आइटम सारी की सारी आपको वॉलमार्ट नहीं तो सैम्स क्लब से मिल जाएंगी। ये देख रहे हो कितने रिजल्ट हैं, हंड्रेड रिजल्ट के हिसाब से ये आइटम्स हैं। आप जितने चाहो रिजल्ट इसके इसमें से आइटम्स उठाओ, जो अच्छी आइटम्स है सारी आइटम्स को सर्च बाय गूगल करो, जो जो सप्लायर उसे सेल कर रहा है उसे ले लो, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने एक तो ये मैं आपको प्रोसीजर सिंपल सिंपल बता दिया जिससे आप आइटम डायरेक्टली फाइंड करोगे और आपको अच्छी आइटम मिल जाएगी। एक मैं बताता हूँ, अगर आपको एक ड्रॉप शिपर मिल गया आपने उसको कैसे स्कैन करना है। मैंने ये एक ड्रॉप शिपर बंदा था उसे ओपन कर लिया, मुझे नहीं पता ये ड्रॉप शिपर है या नहीं, मैं अभी आपको बताने के लिए रैंडमली मैंने उसे ओपन कर लिया सिंपली। ये ओपन हो गया, इसका मैं स्टोर ओपन कर लूंगा और इधर मैं दोबारा जाता हूँ डाटा में और प्रोडक्ट फाइंडर में। प्रोडक्ट फाइंडर में आके मैं सेम अपनी वो वाले जो लगाना चाह रहा हूँ इसके से सेटिंग कर लूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये सारी सेटिंग्स आपने अपने हिसाब से जो जो सारी कर लेनी है, ठीक है। इधर थर्ड पार्टी और लास्ट पे एक ऑप्शन आता होता है यहाँ पर, ये चेक कर रहे हो जो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, ये सेलर आ रहा है, ठीक है। ये आप फिल्टर ना भी लगाओ ना, जस्ट सिंपली आके आप इधर सेलर में ये एमा आपका हो गया हो एक ड्रॉप शिपर ओपन, इसके आप चेक कर सकते हो 18 सेलर रैंक है, 1 है सेलर रैंक, अच्छी आइटम्स हैं। आपने क्या करना है, ये लास्ट पे जो होती है ना आईडी लिखी हुई, ये इसका होता है सेलर आईडी, आपने सेलर आईडी को कॉपी किया, सारे फिल्टर ना भी लगाओ ना आप डायरेक्ट इधर सेलर में आके सेलर आईडी को कर दो पेस्ट। मैंने ये सिंपल आईडी पेस्ट की, पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, फाइंड प्रोडक्ट्स, जो इस सेलर के पास आइटम्स बड़ी होंगी ना ये मुझे वो वाली आइटम्स निकाल देगा। सॉरी मुझे दोबारा भी करना पड़ेगा, वो मैं दरअसल फिल्टर्स लगा बैठा था जिसकी वजह से ये ऐसे हुआ है। अब मैं नीचे जाता हूँ बगैर फिल्टर्स के, इधर आपने क्या करना है, कहाँ गया, ये पड़ा है इधर, सेलर आईडी करो पेस्ट और सिंपली इसे कर दो फाइंड, ठीक है। ये आ गया वो सेलर, इस सेलर के पास जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, अगर ये तो ये ड्रॉप शिपर है, आपको आइडिया हो जाएगा। आप इसकी आइटम्स ओपन करते जाओ, जो अच्छी आइटम्स हैं आपके आपने जो जो इसके यूज किए हुए हैं अपने इसमें जो जो भी चीजें आपने यूज की हैं इस टूल में, ठीक है, जो जो से भी आपने चेक मार्क किए हुए हैं वो सारे आपके रैंक वगैरह हर चीज उस हिसाब से आएगा उन आइटम्स का। तो आपने क्या करना है, वो वाली आइटम्स ओपन कर लेनी है, ठीक है। जितनी भी आइटम्स है वो सारी आप अमेजोन पर इस सेलर की ओपन करो, सेलर ऐसे स्कैन करने के बाद, ओपन करने के बाद उसे सर्च बाय गूगल कर लो, सर्च बाय गूगल करने के बाद आप जिससे भी वो आइटम उठा रहे हो उधर से आइटम उठा लो। इन सिंपल स्टेप्स में सारा बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने आपके पास पेड होना चाहिए प्रोडक्ट फाइंडर कीपा, उसके बाद आपने वो चेक कर लेना है कि वो किस कंट्री में यूज करना है, फिर आपने उधर जाके अपने हिसाब से सेटिंग्स कर लेनी है। पहले आप मैनुअली जाके कोई भी कैटेगरी ओपन कर लो, ओपन करने के बाद एक ड्रॉप शिपर दो चार अच्छे फाइंड कर लो, अच्छे ड्रॉप शिपर्स फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, उन ड्रॉप शिपर्स की आईडी उठा ली, आईडी से उठाने के बाद आपने जाके सेलर आईडी में उन्हें पेस्ट किया, स्कैन देयर स्टोर, आपने उन्हें स्टोर को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद वो सारी आइटम सामने शो हो जाएंगी। फिर आपने एक एक आइटम को ओपन करना है, वो वाली आइटम जो आपने सर्च बाय गूगल करनी है, जिस सेलर से भी वो आइटम उठा रहा है आपने भाग के जाकर उस सेलर को पकड़ लेना है और उसकी आइटम जो उठा के सेल करनी स्टार्ट कर देनी है। क्विक 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 आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, विद आपको इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इजीली आपको आइटम्स मिलेगी। किसी भी कंट्री में कर रहे हो सभी पे ऐसे ही आप इसे यूज करोगे। ये मैंने आपको कीपा का यूज बताया फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। होलसेल मॉडल और है, बाकी जहां पे भी आप करना चाहो वो डिफरेंट है मॉडल, ठीक है। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया है सारा कुछ, ठीक है। और मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, और कीपा के टूल के रिलेटेड, ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी टाइम मेरे से पूछ सकते हो। बाकी अपने भाई को दुआओं में याद रखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। खुदा हाफिज।